भास्कर आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज इंडिया। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है सिवान जिला के सदर अस्पताल में। आपको बता दें कल जो यहां पे अतिक्रमण हटाया जा रहा था और काफ़ी अच्छा लग रहा है, मतलब कुछ दुकानदारों को यहां पे तो हट जाने से ये तो लग रहा है कि अब जो सदर अस्पताल का जो नज़ारा है कुछ साफ सुथरा लग रहा है कि अब यहां पे गाड़ी भी लग सकती है, जो एम्बुलेंस लगा हुआ है। जिस तरह से पहले यहां पे लगता नहीं है, दुकानदार यहां पे लगाते थे, अब दुकानदार का जो अतिक्रमण मतलब था वो हटा दिया गया। तो जो सदर अस्पताल का जो नज़ारा है तो इस तरह से दिखाया, अभी का जो नज़ारा है पहले यहां पे दुकानदारों यहां पे ठेला वाला जो भी लगाते थे अपने जीवन बंद करते थे, लेकिन सिवान शहर में सिवान सिटी में सदर अस्पताल रोड यानी कि हॉस्पिटल रोड में कई जगह अतिक्रमण का जो ढांचा था वो अतिक्रमण हटा दिया है जिला प्रशासन के द्वारा। और अभी मैं बताना चाहूँगा कि अभी यहाँ पे मैं पहुँचा हूँ, अब देख सकते हैं कि उसका थोड़ा कुछ नज़ारा ही कुछ अलग दिखा है। तो यहाँ पे अब मतलब जिस तरह से सदर अस्पताल का कुछ दिन पहले मैं वीडियो बनाया था कि काफ़ी अच्छा हो गया अभी था और उसका व्यू, तो हम बता दें आपको कि हमारी टीम लगातार आपको दिखाती रहेगी कि जो सिवान में घटित घटना मतलब जो भी चीज़ हो रहा है ना, बदलाव हो रहा है, जो चीज़ बदलाव हो रहा है उस चीज़ को हम चाहेंगे कि आप देखिए। तो अभी का जो नज़ारा है, अभी के जो लुक है, आप देख सकते हैं कि सिवान जिला अस्पताल का जो मेन गेट है और ये मतलब जैसे कि बिहार का जो अपने डिजिटल हो गया है, तो इसका लुक भी अच्छा लग रहा है और ये साफ सफाई हो गया है वहाँ से, तो वहाँ तक पीछे थोड़ा सा गंदगी है। मैं चाहूँगा कि जब भी जिस तरह से जिला प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने काम कर रही है तो यहाँ के जिस तरह से लोग आते हैं बंदी ही का भी मतलब यहाँ पर गाँव को जो है उसको भी ध्यान रखते हुए सफाई कराए, यहाँ पे लोग हैं आते रहते हैं, फल देते हैं। अच्छा फल बचने जैसे हट गया तो क्या कितना अच्छा हुआ है, यहाँ पे एक एम्बुलेंस आते हैं और मतलब माँ यहाँ पे ये हटा हुआ है तो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अच्छा सदर अस्पताल है यहाँ पे, लेकिन गंदगी बगल में ही है, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह, बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो आप लोग जैसे जाम का समस्या भी हो जा रहा है, लोग मान लीजिए ये हो गया तो अच्छा लग रहा है, चलो अब झोपड़ी हट गया बढ़िया झोपड़ा झोपड़ी हट गया तो बढ़िया लगे ना, कि मतलब इसका लुक भी देख रहे हैं कि सदर अस्पताल है और यहाँ पे लोग आएंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, मरीज भी आएंगे तो बाहर देख सकते हैं थोड़ा सा। लग रहा है जो आप सिवान में अस्पताल पहले नहीं था, अच्छा आपको मान लीजिए कि हमेशा जाते हैं पटना दिल्ली या जब भी जाते होंगे गोरखपुर, तो वहाँ का जो व्यवस्था है कि आप जाते रहते हैं वहाँ देखिएगा तो स्टॉप चाहिए, हाँ व्यवस्था जो है क्या आपका और जिला प्रशासन क्या अपील आप लोग करेंगे, आप मेडिकल क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, आप एम्बुलेंस गवर्नमेंट वाला है कि आप प्राइवेट है, प्राइवेट, अच्छा प्राइवेट है, क्या भाड़ा लेते हैं आप लोग पटना का, हम लोग 3500 किलोमीटर मिल जाता है, 3500 4000। अच्छा यहाँ पे किसी सांसद द्वारा या किसी मंत्री द्वारा या किसी विधायक द्वारा यहाँ पे चलता है कि नहीं एम्बुलेंस, पहले था अब नहीं, अब नहीं है। अच्छा वादा बहुत लोग करते हैं कि मतलब सिवान में मंत्री योजना वाला एम्बुलेंस था, हाँ लेकिन वो अब तो नहीं है, नहीं है। अच्छा भैया तो करते ना सफाई हुआ है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बाहर से देखना पड़ा अस्पताल। अच्छा बगल में एक ये कूड़ा गिरता है और जल्दी सफाई नहीं होता, इसके क्या कहेंगे, इसका तो अगर मैंने रोज सुबह में सफाई होता है कूड़ा का रोज सुबह में सफाई, दिन भर में इतना बड़ा कूड़ा हो गया, दिन भर में इतना बड़ा कूड़ा हो जाता है। अच्छा सुबह में लाभ कर ले जाएगा, फिर एक घंटा के बाद फिर हो जाएगा अतिक्रमण और उस साइड में हटाया गया, तो फिर देखना दुकानदार लोग फिर ला दिया लोग, तो अतिक्रमण पहुँचता ही रहेगा, दुकान तो कहाँ जाएगा, उन लोग भी करेगा ठेला वाला, ठेला वाला से अति वाला से ज्यादा जाम हो जाता है, जाम हो जाता ना। देखिए आजकल रोज शहर में बहुत ज्यादा जाम चल रहा है, सिवान शहर में खास तौर से ज्यादा जाम चल रहा है, लगन है, लगन के मुताबिक तो जाम चल रहा है, सालों भर अब हो गया है, लगन हो चाहे बरसात हो चाहे आंधी हो या तूफान हो या धूप हो या घड़ी हो, हर चीज में मतलब बरसात के चाहे जो भी हो सब चीज में जाम समस्या दिख रहा है। तो देखिए कहीं ना कहीं अभी यहाँ के जनता का कहना है कि ये जो रोड पर गाड़ी लगा है तो जाम नहीं होगा, जी रोडों पे गाड़ी लग गया था, रोड पर लग गया है ना, तो उसका भी हो जाता है ना, वहाँ भी मोटरसाइकिल कहाँ है, रोड पर है, रोड पे है, तो उसका भी गाड़ी खड़ा करेगा तो वो भी जाएगा सामान खरीद ले, तो जाम होकर वही करेगा, जाम हो गया, तो आपका राय क्या है, पार्किंग चाहिए, पार्किंग चाहिए, कोई भी पार्किंग चाहिए बिहार के, बिहार के अंदर में पार्किंग कोई भी, और खास अभी सिवान में पार्किंग देना, पार्किंग तो यहाँ पे है, लगाता है लोग, यहाँ तो कहाँ लगता है,
नहीं है, बहुत जगह है, पीछे भी है, उधर भी है जगह पार्किंग का। सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं दे रही है, मंत्री विधायक या एमपी कोई ध्यान नहीं दे रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए रोड अब वहाँ देखिए अब कहाँ लगाएगा, कहाँ करिएगा। देखिए अब ये खड़ा करो, देखिए अभी खड़ा हो गया तो कहेंगे मतलब है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि ये सही हुआ है, लेकिन पार्किंग का जनता पार्किंग मांग रही है, यहाँ के संसद से, विधायक से, मंत्री से, या जो भी है यहाँ से, सरकार से जनता मांग कर रही है कि यहाँ पार्किंग हो। बगल में यहाँ पे सरकारी जमीन भी है, भारी जमीन भी है, और लोगों का कहना है कि वहाँ पे सरकारी जमीन होने के नाते वहाँ पे जो सरकारी या जो टेंडर रहता है जो भी हो उसमें सरकार टेंडर निकाले और पार्किंग का व्यवस्था करे, ऐसा लोगों का कहना है। फिलहाल मैं बता दूं कि सिवान शहर में पहुंचा हूं, सिवान सिटी पहुंचा हूं और सदर अस्पताल में पहुंचा हूं, यहां का नज़र आपको दिखाया हूं। तब तक देखते रहे प्राइम इंडिया को, लगातार सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, और भी हम खबरें आपको दिखाते रहेंगे सिवान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, और क्या होने के लिए जो चीज़ें चल रही है उसी में दिखाते रहेंगे। धन्यवाद, थैंक।